आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। हाल ही में इंदौर के रसूमा चौराहे पर डांस कर रही एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में लड़की रेड सिग्नल होते ही अचानक से जेब्रा क्रॉसिंग पर डांस करती हुई नजर आ रही है। युवती को डांस करते देख पहले तो लोगों को लगा कि यह इंदौर ट्रैफिक पुलिस की उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें लोग अपने परिजनों के बर्थडे या एनिवर्सरी पर ट्रैफिक की सेवा करने के लिए एक घंटा चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लोग इसे महज एक सस्ती लोकप्रियता पाने का भूंडा प्रदर्शन मान रहे हैं। युवती का नाम श्रेया कालरा है जबकि वीडियो बनाने वाले युवक का नाम कुशल चौहान बताया जा रहा है। इस मामले में अपुष्ट सूत्रों से जानकारी और भी प्राप्त हुई है कि अभी कुछ दिन पूर्व भी युवती इंदौर के जंजीरवाला चौराहे पर कार पर डांस करते हुए वीडियो बनवा रही थी। इस दौरान ट्रैफिक जाम भी हो गया था। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता ऋषभ बागोरा ने बताया कि रसोमा चौराहा इंदौर के व्यस्ततम चौराहों में से एक है जिसे शहर का सबसे आदर्श चौराहा बनाने के लिए कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई युवा प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से धूप बारिश में भी अपनी सेवाएं देते हैं ताकि यहां से गुजरने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसे में दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवती रसोमा चौराहा स्थित जेब्रा क्रॉसिंग पर डांस कर रही है। युवती का उद्देश्य किसी प्रकार से जन जागरूकता या यातायात नियमों को प्रोत्साहित करना न होकर फूहड़ता व अश्लीलता का प्रदर्शन कर अपने आप को चर्चा में लाना मात्र वीडियो में साफ दिखाई पड़ता है जो कि निंदनीय व शहर की संस्कृति के खिलाफ है। साथ ही यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर यातायात संभालने वाले यातायात वॉलंटियर्स को भी ठेस पहुंचाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य से यदि ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है या किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। युवती को इस तरह से चर्चा में देखकर हर कोई सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए चौराहों पर डांस कर वीडियो बनवाता नजर आएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज यातायात थाने में संस्कृति के विरुद्ध जाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर शहर की छवि धूमिल करने वाली युवती पर उचित कार्रवाई की जाने हेतु शहर के युवाओं ने इंदौर ट्रैफिक DSP संतोष कुमार उपाध्याय को ज्ञापन दिया ताकि भविष्य में भी इस तरह का कृत्य न हो। ऋषभ बागोरा ने बताया कि जिस प्रकार इंदौर ट्रैफिक पुलिस की मुहिम है यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक संभलवाया जाता है उसी प्रकार इस युवती से भी रसोमा चौराहे पर ट्रैफिक संभलवाया जाए इसकी भी मांग की गई। वहीं इस मामले के संज्ञान में आते ही प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर श्रेय काला नामक युवती का वीडियो चल रहा है जिसमें युवती रसोमा चौराहे स्थित जेब्रा क्रॉसिंग पर अश्लील डांस कर रही है। युवती का उद्देश्य किसी प्रकार से जागरूकता या कुहरता व अश्लीलता का प्रदर्शन कर अपने आप को चर्चा में लाना मात्र वीडियो में साफ दिखाई पड़ता है जो कि निंदनीय है व शहर की संस्कृति के खिलाफ है। साथ ही यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर यातायात संभालने वाली महिलाओं को भी ठेस पहुंचाता है। अंत महोदय से निवेदन है कि संस्कृति के विरुद्ध जाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर शहर की छवि धूमिल करने वाली युवती पर उचित कार्रवाई की जाए। अंत सर हमारा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार अभी ट्रैफिक पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है जिससे वो आगे से इस हरकत ना करे, ठीक उसी प्रकार इस युवती पर भी कुछ फाइन किया जाए ताकि इसे आगे और भी प्रकार की कोई कोशिश ना करे जिससे हमारे शहर की छवि पर फर्क पड़े। एवं सर साथ में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक पहल चलाई जा रही है कि जो ट्रैफिक
के नियमों का उल्लंघन करता है उसको उसी वक्त चौराहे पर यातायात संभालने की पनिशमेंट मिलती है। ठीक प्रकार इसी इस युवती को भी उसी चौराहे पर रसवा चौराहे पर कुछ देर ट्रैफिक संभालने के लिए भी बुलाया जाए, यह हमारा आपसे निवेदन है। वीडियो वायरल हुआ था जो वहाँ पर अचानक से डांस करने पहुंच गई और इस कारण कुछ देर यातायात भी लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित हुआ और कुछ मतलब यातायात के नियमों को लेकर जो वॉलंटियर्स हैं ट्रैफिक के उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, क्या कहना चाहेंगे सर इसको? हाँ सही है, वीडियो वायरल हुआ है और काफ़ी चर्चित है, तो ये गलत है आम सड़क पर जाकर इस तरह का कृत्य करना, इसके लिए वैधानिक कार्रवाई निर्देश प्राप्त करने पर की जा रही है। इन लोगों ने कहा है कि उस युवती को वहीं पर ट्रैफिक संभालने की जो आप लोग दंड पनिशमेंट देते हैं वो दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? वो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, जो ट्रैफिक चलाने का है वो स्वैच्छिक रहता है जी। तो वो प्रयास रहता है कि कोई स्वेच्छा से अपना करे, जबरदस्ती हम किसी पे नहीं कर सकते। कल एक युवती जो डांस कर रही थी रसोमा चौराहे पर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इसको अवैधानिक कृत्य मानते हैं? क्या एक तरफ इंदौर शहर यातायात को बेहतर बनाने के लिए प्रयासित है, दूसरी तरफ इस तरह की एक युवती द्वारा जो डांस कर हरकत की गई जिससे हमारे शहर की कई युवतियाँ भी निराश हुई जो निस्वार्थ भाव से ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित होती है, इसी को देखते हुए आज हमने यातायात थाने में माननीय संतोष उपाध्याय सर को ज्ञापन दिया है कि इस युवती पर कार्रवाई की जाए। साथ में हमने उनसे निवेदन भी किया है कि जिस प्रकार से जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं ट्रैफिक पुलिस उनको पनिशमेंट देती है चौराहे पर ट्रैफिक संभालने पर, उन्हें भी दिया जाए और उन्हें भी इस पनिशमेंट में दिया जाए और साथ में उन पर भी कुछ कार्रवाई की जाए। आप लोग भी ट्रैफिक वॉलंटियर से ट्रैफिक संभालते हैं, क्या लगता है इस तरह से अगर कोई भी एकदम से बीच सड़क में आकर डांस करे तो क्या लगता है, क्या कहेंगे इसको? सर एकदम से इस बीच में जिस प्रकार से वीडियो में जेब्रा क्रॉसिंग पे एकदम से डांस करने लग गए जिससे कुछ हादसा भी हो सकता था, यदि हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इस प्रकार भी हम भी प्रतिदिन सेवा देते हैं, हम जेब्रा क्रॉसिंग से रोज प्रतिदिन लोगों को हादसे से बचाते, इस प्रकार के वीडियो से कहीं ना कहीं दूसरे भी लोगों को उत्साह मिलता है और आगे से युवतियाँ किसी प्रकार से इस तरह की हरकत नहीं की जाए उसको संज्ञान में देते हमने आज।